अस्सलामुअलैकुम नाज़मीन, मेरा सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों के साथ आज हम लोगों ने सोचा कि अपनी मतलब हम लोग शेयर करते हैं अपनी डेली की वीडियोस, मतलब जो कुकिंग की होती है या जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, मतलब जो हम लोग बना रहे हैं, और हर घर में ये सुबह सुबह सवाल शुरू हो जाता है कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा। तो हमारे घर में भी आज सुबह सुबह यही सवाल शुरू हो गया था कि आज क्या बनेगा। तो फाइनली यही फाइनल हुआ कि आज हम लोग जो है वो यहाँ पर सब्ज़ी बनाएंगे, बैंगन आलू, और बैंगन आलू हम लोगों ने आज बनाने हैं। तो यहाँ पर मम्मा जो है सब्ज़ी थोड़ा सा आगे इसको कर ले कैमरे में नज़र आ जाए, तो यहाँ पर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग सब्ज़ी बनाने से रेसिपी तैयार करने तक थ्रू आउट सब जो सी होंगी इसकी मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब मम्मा से जानते हैं कि मम्मा आपको मतलब रोज़ ही ये होती है कंफ्यूजन कि आज क्या बनाएं, और रोज़ ही हर घर में ये सवाल किया जाता है कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैंगन पका रहे हैं, बैंगन आलू। इसके पापा भी देखे गए हैं, मुझे कहने लगे क्या पकाना है। रोज़ाना पकाने का बहुत मसला बन जाता है, ये नहीं पकाना वो नहीं पकाना। बस मैंने कहा चलो ठीक है, आज बैंगन आलू आप कहते हैं तो वो ला दो। तो चलो मैंने कहा मैं ना साथ साथ बनाती हूँ, साथ साथ ना अपने बहन भाइयों के साथ बातें भी कर लेते हैं। ये असल में ना छिलके उतार के पकाऊँगी ना, तो छिलके वाले भी पका लेते हैं। छिलके अगर ज़्यादा हो ना तो कड़वे भी बन जाते हैं ये, इसलिए मैं छिलके उतार के ना ये अच्छे बन जाते हैं ज़्यादा। तो वो बैंगन पकाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो बैंगन गोश्त भी बन जाता है, हाँ। आलू बैंगन भी बनते हैं। तो आलू बैंगन आज बेसिकली हम लोग बना रहे हैं। अरबी बैंगन भी अच्छे बनते हैं, आगे से गर्मी आ जाएंगी अरबी बैंगन भी पकेंगे साथ सैलड हो तो हाँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब हम लोग मतलब ये सारी यहाँ पर अपनी सब्जी तैयार कर रहे हैं। मैं ना काट के ना ये छील के तो देख लूंगी वो काना वगैरह ना हो। अच्छा तो मुझे ये बताइए यहाँ पे पानी मतलब क्यों रखा हुआ है आपने? ये बैंगन इसमें डालूंगी ना, तो अगर बैंगन ना डाले ये देखो ना ये काले होने शुरू हो गए ना, बैंगन काले हो जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे हमने मतलब बॉल में रखा हुआ पानी, तो ये जो से कट करने के बाद बैंगन इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। हाँ, छीलने के बाद फिर बाद में काटूंगी ना मैं। अच्छा पहले छील लें उसके बाद इसके अंदर डाल देना, फिर काटने हैं। अच्छा तो यहाँ पर ये क्या प्याज धनिया हरी मिर्ची, ये मतलब प्याज डालूंगी ना, हरी मिर्च धनिया डालूंगी ना इसमें, तो वो भी मैंने कहा बना लूँ बैठी बैठी। तो फिर बनाना सब्जी का थोड़ा टाइम लगता है ना बनाने में, तो मैंने कहा जब सब्जी बना के तो फिर ना जल्दी से ना पका लेते हैं। ठीक हो गया। तो चले व्यूवर्स, फिर अभी हम लोग सब्ज़ी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सब्ज़ी तैयार करने के बाद आपको रेसिपी दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी आज की रेसिपी हमारी बैंगन आलू की वो कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने यही नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखें, देख रहे हैं मज़ेदार सी जो से बैंगन आलू की सब्ज़ी है वो कैसे तैयार होगी। अब हम लोगों ने सब्जी जो सी तैयार कर ली है, सब्जी काट ली है। ये देखिए बैंगन किस शेप में मम्मा ने काटे हैं, ये भी हम लोगों ने काट के धोकर रख ली हैं। आलू भी काट लिए, धनिया हरी मिर्च भी ऊपर डाल दिया है। तो अब उस तरफ मम्मा ने चूल्हे पर प्याज और रख दी है ब्राउन होने के लिए। तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो से बैंगन आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने प्याज रख दी है। मम्मा इनको लाइट ब्राउन करना है, मसाला तैयार करना है कैसे? लाइट हल्का सा, ठीक है। तो टमाटर डालेंगे, और टमाटर हमने कितने अदद लिए हैं? दो अदद हम लोगों ने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। तो साथ ही मतलब नमक मिर्च और वो हल्दी वगैरह भी हम लोग डाल देंगे, मसाला भून के ना, साथ ही ना मतलब नमक मिर्च डाल के। फिर मतलब बैंगन और आलू एक साथ डाल देंगे, मतलब बैंगन पहले डालेंगे आलू बाद में डालेंगे? थोड़े से पहले डालूंगी ना, फिर साथ ही आलू डाल देते, फिर हल्की आग पर रख देते हैं ना, फिर बैंगन भी डाल देंगे। ठीक है, अभी हम लोग मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस तो थोड़े से करने से थोड़ी कर लो। मैं टमाटर डालती हूँ, तो लेकिन थोड़ा सा टेस्ट नहीं डालेंगे आप? नहीं, ये पौना चम्मच हल्दी का, हल्दी एक चम्मच मिर्च का, मिर्च का ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आपके मैदे में भी तकलीफ है मेरे लिए। हाँ जी, मेरे भी मैदे में दर्द हो गई थी एक दो दिन पहले ना, तो इसलिए हम लोगों ने स्पाइस को कम ही रखना है। और नमक डाला, मिर्च डाला, हल्दी डाली, सब कुछ अच्छी तरह से मसाला भून लेना है। जितना अच्छा मसाला तैयार होगा, जितना अच्छा भुना जाएगा, उतनी ही मज़ेदार आपकी जो है वो रेसिपी तैयार होगी। मसाला डालने के बाद, मसाला भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो बैंगन ऐड करने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार झटपट सी कि बैंगन आलू की जो सी रेसिपी वो तैयार होने वाली है। तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक देनी है। अगर आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी डाला मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया हुआ है, और कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। दो घूल पानी का भी डाल के अच्छे से भून लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी आ रही है मसाला भूनने की। तो
अब बस इसको ये मतलब तैयार हो गया कि मुझे थोड़ा सा थोड़ा सॉल्ट भून गया ना, बस मैंने बैंगन बैंगन डाल देने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने साथ ही हरी मिर्च धनिया डाल दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरे हैं, मतलब धुले भी हुए हैं और काले भी नहीं हुए। नहीं, मैंने पहले छिलके वाले भी धो लिए थे। हाँ, पहले भी धो लिए थे, लेकिन फिर भी हमने मतलब एक आपको ट्रिक भी दे दी है कि समटाइम लोगों को होता है कि हम जो बैंगन बनाते हैं वो काले हो जाते हैं। दैट वॉज द पॉइंट कि जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, जिसके से ये काले नहीं होंगे। और मैंने छिलके भी उतार दिए और छिलके भी उतार दिए हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, पकने के लिए रख देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि आपको मसाला बहुत अच्छा भुना गया, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो उसके बाद सब भूनते हैं इसे। हाँ, और ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग तो डालते मैं ना वो पुराने पाक पढ़ती थी ना, हमारे मुझसे पारा पढ़ने अम्मा जी आती थी मुझे पुराने, मतलब आपके घर में बचपन की बात सुना रही है, वो बात सुना रही हूँ। तो वो कहने लगी मैंने खाना खाना है, भूख का टाइम है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अम्मी को कहा अम्मी जी अम्मा जी ने खाना खाना है। तो हमारे घर ना बैंगन गोश्त पका हुआ था, ऐसे ही हमने बैंगन पकाए थे बरीक बरीक काट के ना, तो छिलके उतार के, तो उसने खाया तो इतने उसे पसंद आए, कहने लगी मलाई जैसे बैंगन पके हैं, मलाई जैसे बैंगन। हाँ जी, वो मुझे बात आज तक नहीं भूली अम्मा जी की। ठीक है, तो बिल्कुल अगर टेस्ट में अच्छे हों, अच्छे बने हुए हों, घुले हुए हों। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी हांडी बनाती थी। बिल्कुल जी, डेफिनेटली हमारी अम्मी जान बहुत अच्छी हांडी बनाती थी, उनके हाथ में टेस्ट था और वो मतलब मेरी मम्मा के हाथ में आ गया। मेरी बड़ी बहनें भी बहुत माशाल्लाह अच्छी, वो बड़ी वाली बहन तो फिश बहुत अच्छी बनाती थी। अच्छा, तो मतलब अब देखें, अब ये मेरा इम्तिहान है, इतनी नस्ल दर नस्ल चलते हुए आया है ये जायका और ये खाना पकाने का तरीका। अब ये मेरा भी इम्तिहान है कि मेरे हाथ में कितना जायका और मुझे किस तरह का खाना बनाना आता है। और मेरे बनोई ना वो ठेके लेते थे ना, मतलब दरिया के, तो वो मछली के फार्म के, तो उधर मछली बहुत आती थी उनके पास। तो वो रंग बिरंगी मछली आती थी, वो मेरी बहन ही, मेरे बनोई बहुत शौकीन थे, तो वो रंग बिरंगी मेरी बहन मछली पकाती थी। ठीक हो गया, तो मतलब ये जो खाने पकाने का है और ये टेस्ट का जो हिस्सा है, ये नस्ल दर नस्ल हमारे ख़ानदान में चलता आ रहा है। मतलब मेरी नानी अम्मा, मेरी अम्मी जान और अब मेरी मम्मा और मेरी खाला, जितने लोग मतलब सब ने बहुत अच्छे खाने बनाए, सब बहुत खाने के, मेरे अब्बा भी बहुत शौकीन थे, एक्सपर्ट थे बिल्कुल। मतलब नाना अबू फूडी होना एक अलग चीज़ है, और फूड के टेस्ट को समझना और उसको बनाना, दैट्स अनदर थिंग। मतलब बिल्कुल आप लोग सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको खाना बनाना आता है और आपको खाने की सेंस नहीं है, खाना कैसा होना चाहिए जायके में दिखने में, तो वो भी मतलब बेकार है। इसलिए फूडी होने के साथ साथ आप में इतनी सेंस भी होनी चाहिए ताकि आप खाने को जज कर सके बाय टेस्ट, बाय लुक और उसके प्रेजेंटेशन वगैरह को, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है और अट्रैक्ट भी करता है अपने खाने वाले को। तो मम्मा इसको ढक कर रख दे कि आलू डाल दें अभी इसके अंदर, बस आलू भी ठीक है। तो बिल्कुल जी, हिफ्ज़ाने सेहत के असूल को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने कहा एक दफ़ा फिर धो के ना मैं आलू ले लूँ। बिल्कुल, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आलूओं को दोबारा धोया और बैंगनों को भी दो तीन बार धोया, धो धो के हमने इनको पकाया और ये बहुत मज़ेदार से धुले धुले से पकेंगे इंशाल्लाह, टेस्टी भी होंगे। बहुत धोया इसको, इनके इतना धोया बस धो धो के इनका ये हाल। हमने बातें भी बहुत की हैं, अच्छा जी चले, अब हम मम्मा पास अब रख देते हैं इनको, थोड़ा सा आराम से अपना दम पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये अब ये पक रही हैं, पानी नहीं डालना इसमें, पानी नहीं डालना, इनकी नाक में दम भी नहीं करना आपने, बस दम पे रखना इन्हें। तो भी आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो से बैंगन की रेसिपी है वो कैसे तैयार हो। हाँ जी, ये देखें पानी सूख रहा है, आलू भी हमारे गल गए हैं, बैंगन देखे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब ये थोड़ा सा पानी ना हो रहा है इसमें, वो सुखा ले। लेकिन घी माशाल्लाह ऊपर आ चुका है, देखें इसकी जो तरी भूनी जाए, खुशबू बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है। ये देखिए ना सारे गल गए बैंगन, देखो घुले हुए बैंगन अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े कोई लोग ना खड़े खड़े से मोटे मोटे से काट के भी पका लेते हैं, वो अपनी अपनी तबीयत है कैसे पसंद करते हैं। ये ज़रा भून लें और पानी भी सूख जाएगा इसका, तो देखो फिर पानी लो जाएगा ये। हाँ जी, तो फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मतलब इसका जो पानी है उसको खुश्क कर ले, वैसे हम लोगों ने पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। हाँ जी, लेकिन वो बैंगनों का ही मतलब जो सब्जी का होता है वही है, तो उसको हमने रिड्यूस करना है। उसके बाद उस घी की तरह वो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आ चुकी है रेसिपी हमारी, बिल्कुल फाइनल हो गई क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और घी की इसकी 70 रुपये आने से यही मुराद है कि जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल पक चुकी है। लेकिन अभी मज़ीद हम थोड़ा सा इसका पानी खुश कर लें और उसको डन करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। यही सब्जियाँ होती हैं उनमें पानी नहीं ना डालते, ये मतलब हुई बैंगन हो गए, टिंडियाँ हो गई। हाँ जी, गोभी में भी नहीं डालते पानी, वो बस गुलाबी होती है ना, तो उसमें जो पानी आ जाता है उसमें खड़ी खड़ी सी पकानी होती है वो। तो करेलों में भी पानी नहीं डालते, सॉफ्ट सॉफ्ट सा मलाई जैसे ही। हाँ जी,
साथ सैलेड बनी हो तो बहुत ही मजेदार लगेगा। और साथ अंबी की चटनी हो ना, वो नहीं अभी अभी आई है, वो तो आई नहीं है, अभी आई नहीं, वो चटनी हो वो बहुत मजा आता है। मीठी चटनी भी बन जाती है अंबी की, तनिया बदीने की भी बनती है। आप सिखाएं ना, मतलब जब ये इंशाल्लाह आप आ जाएंगी ना फिर मैं आपको अपने व्यूअर्स के साथ वो भी उसकी भी शेयर कीजिएगा चटनी बनाने की तरकीब भी। हाँ जी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। हाँ जी इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग वेट करते फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, इसका अच्छी तरह ना पानी खुश्क हो जाए। हाँ जी माशाल्लाह देखे, ये हमारी हांडी तैयार हो गई, पानी खुश्क हो गया, अब मैं निकाल के आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है बैंगन आलू, ये बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको मम्मा ने डिश आउट कर दिया और आपके सामने है, ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है, पसंद है हम अपनी फीडबैक दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह इतनी रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।